आज एक्चुअली मैं बोर था तो मैंने सोचा चलो एक छोटा सा व्लॉग बनाऊं और मैं दिखाऊं कि मैंने पिछले दिनों में क्या किया क्या नहीं किया। तो मैंने सोचा कि चलो लेट मी जस्ट गो फॉर दैट, क्योंकि बाहर जाना तो मेरा फ़िलहाल होता नहीं है और इतना बस सिर्फ होता है कि बस यहाँ से जाओ और कुछ खाने के लिए लाओ बस फिर वापस आ जाओ। So this is what's up for now. So now the thing is that the last weekend I went to the college because my dad is the principal over there. So वहाँ पे एक छोटा सा पार्टी था, मेरे बाबा ने अरेंज किया था स्टूडेंट्स के लिए। तो इट वॉज अ फ्री डे फॉर देम, जहाँ पे ये हुआ था जो कि मैं आपको अभी दिखाऊँगा राइट ओवर हियर। The thing was that this college was in a worse situation, in a worse place, in a worse fate of the time that when my dad came, so he fixed it all, and it took him at least 9 to 10 months to fix his whole college. He made it all fine, all clear, and now he's working more on it. So due to the hard work and a lot of respect that gained for over there by my dad, this is what he got. बात होती है ना कि मैं लोगों को यही कहना चाह रहा हूँ कि देखें बुरा टाइम सब में आता है, बुरा टाइम होता है। उम्मीद ना उम्मीदी बहुत ही बुरी बात है, ना उम्मीद नहीं होना चाहिए और क्या कहते हैं, यू शुड बी ऑलवेज होपफुल। मतलब थ्रू आउट लाइफ लाइक यू नो यू कैन से दैट कि मैंने भी पूरी लाइफ में यही किया कि खाना लग गया। तो मैंने भी पूरे लाइफ में यही किया कि मैं एक तो मैंने सब्र से काम लिया है, मतलब ये डिसेबिलिटी के साथ टाइम गुजारना इतना इजी नहीं है क्योंकि लोग आपको जज करते हैं, लोग आपको नेगलेक्ट करते हैं। स्पेशली हमारे सोसाइटी में यही सबसे चीज़ है कि सबसे बुरी चीज़ है कि ये लोगों को एक्सेप्ट ही नहीं करते। अगर लोग को एक्सेप्ट करते तो आज इतना अच्छा सोसाइटी होता और बहुत ही मतलब कोई जज भी ना करते, कोई कुछ भी ना होता तो ये सोसाइटी वुड बी सो बेटर प्लेस, दिस सोसाइटी वुड बी सो फार बेटर प्लेस। लेकिन इससे था टाइम गुजारना भी एक बड़ा मुश्किल काम था क्योंकि मैंने क्या किया कि मैंने एक सबर से काम लिया, मैंने I was hopeful for it and I struggled. और इस तरह करते 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 मैं आज मेरा आपके सामने मैं YouTube ब्लॉग कर रहा हूँ। तो आज तो खैर कुछ नहीं था तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा छोटा सा ब्लॉग जो है वो आपको दिखा दूँगा मैंने पिछले हफ्ते क्या किया। फिर ये है कि मैंने उस कॉलेज में फिर मैं व्लॉग भी नहीं बना सकता क्योंकि मेरे एक तो सिक्योरिटी इशू है, लेकिन मैं एक दिन मेरा कोशिश ही होगा कि मैं एक दिन बनाऊँगा वन डे मैं एक दिन बनाऊँगा। तो फिर मैं आप सब लोगों को दिखाऊँगा एक छोटा सा सीन कॉलेज का कि कॉलेज क्या कैसे है, क्या चीज़ है क्या नहीं है। लेकिन वो फिर तब होगा जब मेरे बाबा घर पे होंगे और मैं उतरूँगा, वरना बाबा अलाउ नहीं करेंगे। सो और दूसरी बात ये है कि कमिंग फ्राइडे को फिर आई एम लीविंग टू पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी, आई एम लीविंग टू PMA। तो PMA में मैंने क्या कहते हैं वहाँ पे गैदरिंग है और वो गैदरिंग बेसिकली किसी और दूसरे लॉन्ग कोर्स का है। तो उस लॉन्ग कोर्स के मेरे बाबा पलटून कमांडर रह चुके हैं, तो उन्होंने पलटून कमांडर को इनवाइट किया हुआ, तो हम लोग फिर वहाँ जाएंगे। तो उसकी भी मैं शायद कोशिश करूँगा कि कोई पिक्चर
जी चाचा आ रहा हूँ। छोटा तो पीएमए में छोटा सा गैदरिंग है, तो मैं उसमें शायद कोशिश करूँगा कि मैं उसमें भी कुछ पिक्चर ले लूँ और आपको दिखाऊँ, क्योंकि मेरा बहुत स्लाइड शो हो गया, वीडियो पे बहुत कम मैं ध्यान, वीडियो तो बन ही नहीं सकता मुझसे क्योंकि मेरा हाथ से बरकत और सब कुछ। और अगर मैं कहता हूँ कि शायद खास मेरे साथ आज वो होता है DJI ऑस्मो, जो कि उसमें स्टेबलाइजर है, तो जो कि वीडियो को बहुत ही स्टेबल रखता है। तो मैं अगर मेरे साथ वो होता तो मैं ज़रूर वो वीडियो बनाता PMA का, और आप लोगों को PMA दिखाता, वीडियो भी बनाता सब कुछ। और लेकिन वो है नहीं मेरे पास, जो कि इंशाल्लाह ज़रूर होगा मेरे साथ वन डे। एंड सो दिस इज व्हाट्स अप, बट इफ आई फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग आई एम गोना मेक इट व्लॉग एंड आई एम गोना शो यू। अंटिल देन, बाय बाय, सी यू।